अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जी हाँ बग़ैर ऑयल के हम प्याज को फ्राई कर सकते हैं और महीनों से सेव कर सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनती है और जैसा कि आपको पता है आजकल ऑयल कितना महंगा हो चुका है और टाइम भी हमें सेव करना होता है सम टाइम हमें ऐसा होता है कि जल्दी खाना बनाना होता है और जैसा कि हमें पता है कि प्याज फ्राई होने में कितना टाइम लेती है तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है तो चले आए हाँ, मैं आपको बताती हूँ यहाँ हमने प्याज को छील लिया है और इस स्टेज पर यानी कि इसको छीनने के बाद हम इसको वॉश कर लेंगे वॉश करने के बाद इसको फ़ैन में फाइव मिनट के लिए फ़ैन चलाकर इसको ड्राई कर लीजिए और नहीं तो कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए मैंने तकरीबन एक घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया था और क्योंकि लाइट नहीं थी तो मैंने इसको ही छोड़ दिया था ये ड्राई हो गई थी उसके बाद हम इसको बिल्कुल फ़ाइन कटिंग कर लेंगे अगर आपके पास स्लाइसर है तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा उसे तमाम प्याज एक ही सिक्वेंस में बराबर कटेंगी कोई भी जो है ना इसके जो रेशे हैं जो इस प्याज की एक एक जो है क्या कहते हैं इसको बराबर कटनी चाहिए छोटी बड़ी पतली मोटी नहीं होनी चाहिए वरना फ्राई होने में ये टाइम लेगी बिल्कुल इस तरह से बारीक हमें इसको कटिंग करना है ये प्याज हमारी कटिंग हो गई है अब क्या करेंगे हम इसको दोनों हाथों से इसको इस तरह से अलग अलग कर लेंगे यानी इसको एक एक रेशे को इसको अलग कर लेंगे तो मेरे हाथ में एक मोबाइल है मैं एक हाथ से कर रही हूँ तो मोबाइल रखकर मैं इसे करती हूँ दोनों हाथों से अलग अलग ताकि कोई भी प्याज एक दूसरे से चिपकी ना रहे और आराम से एक एक हिस्सा इसका फ्राई हो जाए तो ये हो चुकी है फ़्राई और पैन को हमने गरम कर लिया था बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको रखेंगे और जैसा कि आजकल आपको पता है लाइट कितनी लाइट नहीं बल्कि गैस कितनी जा रही है स्लो आती है गैस तो कम गैस में भी आपका ये काम हो सकता है क्योंकि हमें इसे बिल्कुल लो आँच पर पकाना है फ्राई करना है तो मैंने इतनी कम प्याज इसलिए ली थी कि हमें पैन में इतनी ही प्याज रखनी है जितनी हम उसे फैला लें और ज़्यादा ओवर ओवर लोडेड नहीं करना है उसको क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी तो ऊपर से फ्राई नहीं हो पाएंगी और नीचे वाली अपना कलर चेंज कर लेंगी ऊपर वाली नहीं होंगी तो दो मिनट तक हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना क्योंकि प्याज के अंदर जितनी भी नमी है जितना मॉइस्चर है वो इसका ख़त्म हो जाए इसको इसी तरह से हम छोड़ देंगे दो मिनट के लिए और बस चेक करते रहेंगे इसको आराम आराम से देखते रहेंगे कि इसका पानी ड्राई हुआ है यानी क्योंकि प्याज अंदर से थोड़ी सी जो है ना नमी इसमें होती है और हमने इसे वॉश भी किया था ऊपर से तो ड्राई हो गई थी लेकिन कटिंग करने के बाद और वैसे भी प्याज पानी जो है ना रिलीज़ करती है तो ये देखिए स्लोली स्लोली हम इसे इस तरह से करते जाएंगे और ये देखें ये इस तरह के जो मोटे हैं ना ये फ्राई नहीं हो पाएंगे इसलिए मैंने इसको हटा दिया है तो आजकल ऑयल कितना महंगा हो चुका है तो ये बेस्ट रेसिपी है आप इसको इस तरह से फ्राई कीजिए देखें ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करना इसने शुरू कर दिया है और ये इसी तरह से होता रहेगा हम आहिस्ता आस्ता इसे चलाते रहेंगे और बहुत जो है ना बहुत अच्छी बनती है बहुत क्रिस्पी बनती है और इसे आप सेव कर सकते हैं देख के आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं इसका ये देखिए तो कितनी जल्दी ये बन गई है और बहुत अच्छी फ्राई हुई है देखें कलर भी इसका बहुत ज़बरदस्त आया है तो कितनी आसान और जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है और बग़ैर ऑयल के हमने इसे फ़्राई किया है तो ऐसा है कि जब हमें बहुत जल्दी कुकिंग करनी होती है तो फ्राई होने में जो है ना प्याज़ फ्राई होने में टाइम लेती है तो इसको हम जल्दी जल्दी बना सकते हैं इस तरह से अगर हमारे पास ये बनी हुई रखी हो तो इसका आप साउंड सुनिए कितनी क्रिस्पी है तो आप इसे किसी भी टाइट जार में सेव कर सकते हैं और महीनों चला सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं होती ख़राब नहीं होती तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़